डियर स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम आपको नकेटोर अमेरिकेनस यानी न्यू वर्ल्ड हुकवर्म के बारे में बताएँगे नकेटोर अमेरिकेनस द न्यू वर्ल्ड और अमेरिकन हुकवम इज फाउंड इन सदरन यूनाइटेड स्टेट्स यानी ह्यूमन बींग्स की जो भी पॉपुलेशन सदरन यूनाइटेड स्टेट्स में है उसके अंदर ये एज अ पैरासाइट उनकी बॉडी में रिसाइड करेगा इसके अडल्ट जो हैं दे लिव इन द स्मॉल इंटस्टाइन ऑफ ह्यूमन बींग वेयर दे होल्ड द इंटस्टाइनल वाल इंटस्टाइनल वाल को ये होल्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम स्ट्रक्चर्स दैट आर नोन एज टीथ कोई भी पैरासाइट्स जो हैं जब इनकी अडेप्टेसन की हम बात करें हर पैरासाइट्स के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हुक्स टीथ स्पाइनस दे आर क्वाइट प्रोमिनेंट ये क्यों हैं क्योंकि इन्होंने जब होस्ट की बॉडी में एंटर होना है तो इन्होंने उस बॉडी के पोर्शन को फिक्स करना है अपने आप को तो इन स्ट्रक्चर्स के साथ ही अपने आप को फिक्स करेंगे इसके अलावा ये उनके ब्लड के ऊपर टिश्यू फ्लूड्स के ऊपर ये फीड करेंगे और इसकी इंडिविजुअल फीमेल्स जो हैं दे नॉर्मली प्रोड्यूस हाई पोटेंशियल ऑफ एग और एग्स जो हैं दे कैन बी टेन थाउजेंड एग्स जो हैं डेली इनकी फ़ीमेल प्रोड्यूस कर सकती है विच पासिस आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द फीसिस अब एग्ज़ जो हैं हर पैरासाइड के एग्स जो हैं उन्होंने बाद में हेज करके लार्वल में फॉर्म में आना है अब लार्वे जो है इसके वॉम मॉइस्ट सॉयल में रिलीज होंगे और उन लार्वे को हम कहेंगे रेबिटी फॉर्म लारवा अब ये जो रेबिटी फॉर्म लार्वा जो है फर्स्ट एंड सेकेंड जुवेनाइल लारवा की स्टेज है और इसके अलावा कुछ ऐसे भी निमेटोड्स के अंदर ज्यूबिनाइल लार्वे हैं जिनकी फ़ोर ज्यूबिनाइल स्टेजेस तक हमें नज़र आ सकती हैं अब इसमें जो आ, फर्दर मोल्टिंग होगी हर ज्यूबिनाइल स्टेज में और वो बिकम दे विल बिकम द इन्फेक्टिव फाइलेवर्म्स और ये जो इन्फेक्टिव थर्ड स्टेज लार्वे हैं कुछ निमाटोड्स के अंदर थर्ड स्टेज के बाद एडल्ट बन जाएंगे कुछ में सेकेंड स्टेज के बाद बन जाएंगे और कुछ में मोल्टिंग का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा फोर जनरेशन के बाद टिल द टाइम दे मच्योर इन टू अब ह्यूमन बींग्स जो हैं किस वक्त इन्फेक्टेड होंगे ह्यूमन बींग्स उस वक्त इन्फेक्टेड होंगे जब फाइलेरी फॉर्म लार्वे जो है दे विल पेनीट्रेट देयर स्किन यूजअली बिटवीन द टोज ऑफ द फीट पाओ के टोज के स्किन के थ्रू जो है ये बॉडी के अंदर एंटर करेंगे आउटसाइड डिफिकेशन एंड सब्सिक्वेंट वॉकिंग जब हम नंगे पाँव घास के ऊपर चल रहे होंगे या ऐसे ही एरिया में जब चल रहे होंगे तो इनकी जुविनाइल स्टेज जो है स्किन के पाँव के स्किन के थ्रू बॉडी में ये एंटर हो जाएंगे अब ये लार्वे जो हैं देन दे विल बरो द स्किन टू रीच द स्किन के साथ अटैच हो के फिर बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर होंगे सर्कुलेटरी सिस्टम जो है जब उसमें एंटर हो जाएंगे वहाँ पर फिर ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे इनके लाइफ साइकिल के कंप्लीट करने का भी वही पैटर्न है जो कि हमने अस्कैर में देखा यहाँ पे देखें आप इनकी लाइफ साइकिल आप इसमें ये देखें रेबडिटीज लार्वे इन सॉइल अब ह्यूमन बींग्स कोई भी जो कि घास के ऊपर नंगे पाँव वॉक कर रहे हैं वहाँ से ये पेनिट्रेट करते हुए फुट की स्किन में एंटर होंगे वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में ब्लड स्ट्रीम से लंग्स में लंग्स से ये ट्रेकिया में ट्रेकिया से फेरिंग्स में फेरेंग से फिर स्वेलिंग के थ्रू दे विल हेच इन टू द स्मॉल इंटस्टाइन अब स्मॉल एडल्ट जो हैं नॉर्मली इसके अडल्ट जो हैं दे रिसाइड एंड दे लिव इन द स्मॉल इंटस्टाइन अब इसमें कुछ वर्म्स जो हैं वो मेल बन जाएंगे और कुछ वर्म जो हैं वो फीमेल बन जाएंगे अब फीमेल जो है शी विल ले एग्स एग्स जो है दे आर डिस्पोज्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द फीसिस और ये इसकी डायग्नोस्टिक स्टेज है अब इसके एग्स फीसिस जो हैं दे विल डिवेलप इन टू फाइलेरिया फॉर्म लार्वा दिस इज़ एन इन्फेक्टिव स्टेज दी इन्फेक्टिव स्टेज जो है इसकी अगेन बॉडी के अंदर एंटर होगी और ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू रहेगा अब इसके लार्वे जो हैं वो टू फॉर्म्स में हैं एक आप ये देखें इसके लार्वे फाइलेरिया फॉर्म लार्वा और दूसरा इसमें रेबडिटोडी लार्वा ये लार्वा सॉयल के अंदर मौजूद है और ये लार्वा जो है इन्फेक्टिव लार्वा ये बॉडी के अंदर मौजूद है तो इसका लाइफ साइकिल ये जो द न्यू वर्ल्ड हुकम जो कि स्पेसिफिकली साउथ अमेरिकन पापूलेशन में मौजूद हैं नैटोर अमेरिकेनस इसका नाम है तो हाउ कैन इट एंटर द बॉडी एंड कैन बी हार्मफुल टू द ह्यूमन पापूलेशन